हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन एंड कैथोड एनोड कैसे डिसाइड करेंगे और उनकी हाफ सेल कंप्लीट सेल इक्वेशन, ये सब कर लिया था। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर है वो? यस मैम आई एम अगेन रिपीटिंग। सबसे पहले क्या मैम करते हैं, मैं फिर से ये तीन स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज आज के काम में भी हम इनको यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, वर्किंग मेथड क्या था हमारा? सबसे पहला मेथड था कन्वर्ट, ये हाँ मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस इज अ वर्किंग मेथड टू मेक अ सेल, कन्वर्ट ऑल द डाटा इन, किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल। यस, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलो दूसरा स्टेप बताओ, फिर क्या करते हैं सेकंड स्टेप में? एलिमेंट कैथोड और एनोड। नहीं, सबसे सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जिसका आई हाँ जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल हुआ उसको मानेंगे कैथोड और उसकी करेंगे रिडक्शन, जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हुआ उसको मानेंगे एनोड और वहां पे क्या परफॉर्म करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट तो मैं और बताया था कि अगर आपके पास या इससे भी पहले लिखो कि सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड क्या आने चाहिए, आयंस। सॉल्ट ब्रिज मस्ट हैव आयंस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंड इसके लिए चाहे हमें गैस वाला पोर्शन पहले शिफ्ट करना पड़े, याद है ना गैसीय स्टेट में ऐसा हो रहा था। एंड सेम फेस है तो कैसे सेपरेट कर रहे थे, सेपरेट बाय कॉमा, ठीक है कॉमा। एंड प्लेटिनम इज यूज्ड, प्लेटिनम इज यूज, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन में यूज हो रहे हैं, लास्ट क्लास में समझा दिया था सब। प्लेटिनम इज यूज्ड इन द केस ऑफ आयंस एंड द गैशियस फॉर्म। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास अटेंड करी है उनको ये फाइव के फाइव पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी एग्जाम्पल इसकी की थी। यस और नो? यस मैम। यस। आज टॉपिक है हमारा ई एम एफ। EMF हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? देखो इसके नाम में ही मोटिव है ना, बेसिकली ये होती है ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द वर्किंग ऑफ सेल, नॉट डिराइविंग, ड्राइविंग। दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द वर्किंग ऑफ सेल, बिहाइंड द वर्किंग ऑफ सेल। सेल काम क्यों कर रहा है, सेल में EMF प्रोड्यूस, वर्किंग ऑफ सेल, करंट फ्लो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज अ बेसिकली EMF, उसको हम लिखते हैं EMF। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी दो दो एलिमेंट जिससे तुम लोग सेल बना रहे हो ना, अगर उन दोनों की पोजिशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाइडली सेपरेटेड हैं, वो लोग बहुत डिफर करते हैं पोजीशन में, तो इसका मतलब है आप अच्छा सेल बना रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इसका मतलब है कि दो एलिमेंट जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब उनकी टेंडेंसीज डिफरेंट है, किसी एक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, दूसरे की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, तभी तो सेल बना है, ठीक है ना। अगर कोई दो हम ऐसी ले लें, मेटल्स ही ले लें जिनमें दोनों की ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो भी सेल तो बनेगा। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है उसको हम एनोड बना देंगे, जिसकी कम लूज करने की टेंडेंसी है उसको गेन करवा देंगे, पर वो सेल बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द वर्किंग ऑफ सेल क्या है,
द डिफरेंट टेंडेंसीज tendencies for two elements to gain or lose the electron. ये two elements क्या है जो cell बना रहे हैं, forming cell. ठीक है, अगर उनकी different tendencies ना हो या बहुत ज्यादा different tendencies ना हो तो अच्छा cell नहीं बनता. अगर आप इसको फिजिक्स की सेंस में पढ़ते हो तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को अलग अलग लेते हो, पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर करते हो. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है. मतलब हमने दो एलिमेंट जिनसे अपना सेल बनाया उनमें से किसी एक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की और लॉस करने की टेंडेंसी है, बेसिकली उनके रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, डिफरेंस इन द रिडक्शन पोटेंशियल जो है, डिफरेंस इन द रिडक्शन पोटेंशियल ये क्रिएट करता है ईएमएफ. That results in EMF. ये मतलब है. तो मीनिंग तो समझ में आ गया आपको EMF का कि सेल में करंट कैरी क्यों होता है, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे ने वही इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे चले गए गेन किए. तो ये जो उनकी टेंडेंसी थी, अगर उनकी दोनों की, दोनों को आप मेटल ले रहे हो, दोनों मेटल ले ली, तो मेटल्स की तो नेचर तुम्हें पता है कि दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन. फिर वो अच्छा सेल नहीं बनेगा. सेल तो बन जाएगा तब भी, पर वो ज्यादा EMF नहीं देगा. ठीक है, जिसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसे तुम बना लोगे एनोड. ठीक है, तो बेसिकली जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज में, वो ज्यादा उतनी ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा. अब ईएमएफ का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड तो हो गया क्लियर, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है. देखो, जो ईएमएफ होगा वो होता तो है वैसे दोनों के, जो आप ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हो कैथोड का, या जो आप ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हो एनोड का, इन दोनों का सम. यस मैम, ऐसे कैथोड और एनोड पर पक्का उत्तर ही कैथोड पर पॉजिटिव आएगा, एनोड पर नेगेटिव आएगा. वैसे ना मुझे बहुत क्लियरली तो आपकी बात सुनाई नहीं दी, बट मुझे इतना समझ में आया है कि आप ये पूछ रहे हो कि ये फिक्स है का कि कैथोड में नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, यही पूछा है ना. यस मैम. हाँ, आप थे बेटा लास्ट क्लास में? तब भी मैंने ये बात बताई थी. देखो, ये बात इम्पोर्टेंट है जो तुमने पूछी. हमारे पास दो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोसेसेस, एक तो है इलेक्ट्रोलिसिस और एक है, लोअर योर हैंड, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, जो तो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस में भी एनोड कैथोड होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनोड कैथोड होते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने एनोड पे नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, जो कि हमेशा पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये भी यही होगा, मेटल जो मर्जी हो. इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है. एनोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो यहाँ पे भी इसमें ऑक्सीडेशन होती है और इसमें रिडक्शन होती है. ये मैंने इतनी कहानी क्यों लिखी है, ये मैंने कहानी इसलिए लिखी है कि इनके जो चार्जेस होते हैं ना, ये चार्जेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिसिस में डिफरेंट हैं. तो अगर आप ये बोलो कि एनोड हमेशा नेगेटिव होगा तो वो ट्रू नहीं है. एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एनोड इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो इसमें जो पोल बैटरी का आप एनोड के साथ लगा दोगे वो उस पर चार्ज आ जाएगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये नेगेटिव बनाते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव बनाते हैं. बट चाहे एनोड कुछ भी हो, प्रोसेसेस कैसे भी दोनों में आ रही हो, पर ये फॉर द श्योर है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा दोनों में. ठीक है, ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फिक्स है कि ये नेगेटिव होगा, पर अगर वही प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं तो वहां पे फिर ये साइन चेंज हो जाएगा उसका. ठीक है बेटा. यस यस. तो अब ये फिर अगली स्लाइड ले लेते हैं ईएमएफ वाली कहानी की. जो आपकी ईएमएफ होती है ना, EMF होगी
जो आपका है एनोड वाला टर्मिनल उसका और कैथोड वाले टर्मिनल का सम, ठीक है, और इसको हम ई नॉट ऑफ सेल बोलते हैं। ये मैंने इसलिए डेफिनेशन लिखवाई है क्योंकि जेई में ना ये इलेबोरेटिव वे में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। मान लो मैंने सेल ले लिया जिंक और कॉपर का, ठीक है, तो तुम सब बच्चों को पता है कि ये है तुम्हारा जिंक, और जिंक होता है ऑक्सीडाइज और कॉपर होता है आपका रिड्यूस, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो ये प्लस लिखा जाएगा, अगर इसको लिखेंगे ऑक्सीडाइज और इसको लिखेंगे रिड्यूस, ठीक है। बट जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि कभी x में y प्लस नहीं हो सकता, अगर x और y का एडिशन देके कुछ आंसर निकालने हैं तो आपको x को y में या y को x में करना पड़ता है, कन्वर्ट करते हो ना ऐसे इक्वेशन सॉल्व तुम लोग, है ना। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक है रिडक्शन पोटेंशियल, एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब आपके पास आंसर सही आएगा ई नॉट ऑफ सेल का, तब आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडक्शन की फॉर्म में दी हुई है इसलिए इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा बन गया, तो अब अगर इसे लिखा जाएगा ना तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ये E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड था, अब ये बन गया E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। तो ये मैंने दो फार्मूले इलेबोरेटिव फॉर्म में इसलिए लिखे हैं क्योंकि उसने इसके एक्सप्रेशन पे भी टिक लगवाया हुआ है कि कैसे आएगा फॉर्मूला, तो बच्चों ने प्लस वाला रॉन्ग किया था जबकि प्लस वाला रॉन्ग नहीं है। माइनस वाले से हम सारे न्यूमेरिकल इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि हम सारे डाटा को ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि मैंने वर्किंग प्रोसेस में लिखाया था। पर अगर पेपर में उसने जो आपका एनोड वाला पोर्शन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ना देके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो फिर फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोथ द फॉर्मूलाज आर करेक्ट एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, इज दैट क्लियर। और ई नॉट ऑफ सेल को बोलते हैं डिफरेंस इन द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ईएमएफ ऑफ द सेल का क्या काम है, कहां पे हम इसे कैसे रीजनिंग इससे सॉल्व करेंगे। देखो ईएमएफ ऑफ द सेल जिसको कि मुझे लिखना चाहिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्योंकि इसमें मैंने नॉट लगाया, तो लास्ट स्लाइड में भी ना मैं स्टैंडर्ड कर देती हूँ तो यहां पे भी हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड है, ठीक है, नॉट लगाया आप समझ ही जाओगे। अच्छा एक स्लाइड एक्स्ट्रा आ गई इसमें, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, तो लेट्स यूज द बैक। तो ई नॉट ऑफ द सेल जो था वो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन है फिजिबल, मतलब वो सेल वर्क करेगा और सेल विल वर्क, वो काम करेगा। अगर आपका ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव आता है तो वो नॉट फिजिबल है, मींस सेल विल नॉट वर्क, सेल विल नॉट वर्क, सेल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ई नॉट ऑफ सेल का फिजिबिलिटी से लेना देना। अब आपको काम वही करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए,
आपको पहले कैथोड एनोड को चूज करना है, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू निकालनी है, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कन्वर्ट करना है, दिस एंड दैट। जैसे मैं बिल्कुल सिंपल सेल दे रही हूँ आपको, उसके लिए आप देखना। लेट अस सपोज वी आर हैविंग ई नोट ऑफ जिंक टू प्लस इज 0.76 वोल्ट, और ई नोट ऑफ कॉपर टू प्लस टू कॉपर 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब आप ई नोट ऑफ सेल इसका निकाल के बताओ क्या होता है, क्विकली, वेरी सिंपल सा, सबको याद है, 1.1 वोल्ट है ना, 1.10। यस, पहले क्या किया तुम लोगों ने, पहले इसको कन्वर्ट किया ई नोट ऑफ जिंक टू प्लस को रिडक्शन पोटेंशियल में, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस 0.76 आया, इसको कन्वर्ट किया बेटा कॉपर टू प्लस को कॉपर में, तो ये पहले ही था ऑलरेडी 0.34। कन्वर्ट करने के बाद देखो एप्पल का एप्पल से कंपैरिजन होता है ना, तो अब ये कन्वर्ट करने के बाद ये है हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है तो ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड। ये लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ये जाएगा एनोड पे, तो फिर तो E नॉट ऑफ सेल कैसे जाएगा, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, एंड बोथ द डाटा शुड बी इन द रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड की वैल्यू 0.34 माइनस 0.76, माइनस माइनस हो गया, तो 0.34 प्लस 0.76 1.10 वोल्ट ही आ गया आपका E नॉट ऑफ सेल। तो अगर तो आपको पेपर में सेल उसने ऐसे दिया, जिंक इन द सॉलिड गिव्स जिंक टू प्लस इन द एक्वस सॉल्ट ब्रिज कॉपर टू प्लस इन द एक्वस, अच्छा यहां पे लाइन नहीं आएगी, कॉपर टू प्लस इन द एक्वस टू द कॉपर इन द सॉलिड, तो आपका सेल सही है क्योंकि एनोड पे ये रखा है कैथोड पे ये रखा है, तो आप बोलोगे फिजिकल। बट अगर उसने अपोजिट सेल लगा के दिया तो आप ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव निकाल के आओगे और बोलोगे कि ये सेल का रिएक्शन नॉट फिजिबल है। तो दिस इज ई नॉट ऑफ सेल दैट इज डिटरमिनिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन अगेन फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन अगेन। ठीक है बेटा, yes. इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं नॉस्ट इक्वेशन आपको करवा देती हूँ। ये तो जो हमने कैलकुलेट किया ना दैट इज कॉल्ड एज अ ई नॉट ऑफ द सेल, नेक्स्ट इज अ नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट EMF of the cell. EMF of the cell में ना E naught नहीं है, ये standard EMF नहीं है, ये simple EMF of the cell है। इसकी calculation के एक दो steps मैं आपको पहले बता देती हूँ। That is delta G is equal to delta G naught plus RT log of QC. ये basic equation है, इसकी general equation है। Delta G क्या बताया था बेटा आपको? Gibbs free energy. This is called as a Gibbs free energy change. और इसमें डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, इस पे नॉट लगा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड Gibbs free energy change. आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। क्यूसी किसको बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। अब आपको एक रिलेशनशिप बताया था मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर याद हो तो, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं सॉरी उसमें थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। वहां पे मैंने आपको ये बात बोली थी बेटा कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे।
द गिव्स फ्री एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? गिव्स फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इन टू द मैक्सिमम यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन. यानी कि ये माइनस साइन को तुम इधर को शिफ्ट कर दोगे तो डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर आ जाएगा. मतलब जितनी गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी उतना मैक्सिमम यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा. ठीक है. चलो अब ये वैल्यू हम यूटिलाइज करेंगे इस इक्वेशन में. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू सी. अब बेटा डेल्टा जी की वैल्यू आ गई माइनस एन एफ ई सेल. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू सी. अब पूरी इक्वेशन को आप एन एफ से डिवाइड कर दो तो ई सेल किसके इक्वल आ गया? ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ है तो माइनस यहाँ पे एडजस्ट कर लो सेंटर में. माइनस एन एफ एंड लॉग ऑफ क्यू सी. ठीक है. अब आपको पता ही है कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एल एन लॉग को. एल एन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 2.303 एल ओ जी ऑफ एक्स. ठीक है ना. तो ई सेल किसके बराबर आ गया? दैट इज ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन इंटू एफ लॉग ऑफ क्यू सी. अब बच्चा इसमें ना इतना फैक्टर तो देखो कॉन्स्टेंट ही है 2.303 आर टी एफ. टी इसमें है 298 केल्विन. इसको टी को ढंग से लिख देते हैं 298 केल्विन. आर आपका हो गया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. एफ हो गया 9648. मैं सिंपल ही लिख देती हूँ 500 नहीं तो 486 होता है वैसे राउंड ऑफ करके 500 आता है पर मोल. ठीक है ना. कूलम है पर मोल चार्ज है ये. तो ये कांस्टेंट है. इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आती है माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन एंड एल ओ जी आ गया. अब तो एल एल ई लगेगा ना. एल ओ जी लगेगा एल ओ जी क्यू सी. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई सेल. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ क्यू सी. तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है आपकी नॉन्स इक्वेशन. इस इक्वेशन में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है एंड देन यू हैव टू गेट द आंसर. दो टर्म्स मैं इसमें डिफाइन कर देती हूँ क्यू सी और एन को कैसे रिलेट करना है. लेट मी सेटल देम. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ क्यू सी. क्यू सी में तो लिखोगे आप रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. रिएक्टेंट्स ठीक है. और एन इसमें हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट. गेन्ड और लॉस्ट इन द रिएक्शन. ई नॉट ऑफ सेल तो तुम्हें पता ही है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. और ई सेल इसमें आ गया ईएमएफ ऑफ द सेल. तो दिस इज द बेसिकली नास्ट इक्वेशन. एक क्वेश्चन पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ. रेस्ट फिर आपसे सॉल्व करवाते हैं. जैसे मान लो आपके पास डाटा कुछ ऐसा दिया हुआ है ई नॉट ऑफ सिल्वर प्लस टू सिल्वर That is equal to 0.80 volt. E naught of copper 2 plus 2 copper 0.34 volt. Concentration 0.01 molar और 0.1 molar दी हुई है. तो काम वही से ही है. स्टार्ट वैसे ही करना है. तो सबसे पहले आपको हायर वैल्यू देखनी है. ये हायर है तो अगर ये हायर वैल्यू है तो ये कैथोड पे जाएगा. ये लोअर है तो ये एनोड पे जाएगा. तो अगर ये कैथोड पे जाएगा तो पहले लिख लो रिडक्शन हाफ सेल. रिडक्शन हाफ सेल में सिल्वर प्लस है
एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्वस है, ये सॉलिड है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इसकी फिर ऑक्सीडेशन होगी। कॉपर इन द सॉलिड स्टेट गिव्स अ कॉपर 2+ द एक्वस स्टेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 था तो 2 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑन द होल कैंसिल आउट होने चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। 2Ag+ कॉपर इन द सॉलिड स्टेट 2Ag इन द सॉलिड स्टेट कॉपर 2+ इन द एक्वस फॉर्म। ठीक है, अब इस पे नास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। टू ए जी प्लस कॉपर इन द सॉलिड स्टेट 2Ag इन द सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर 2+ इन द एक्वस फॉर्म। कंसंट्रेशन नोट कर लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड में कितनी कितनी दी थी। कॉपर 2+ की 0.01, सिल्वर की 0.1। पहले ई नॉट ऑफ सेल निकालो। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू है ई नॉट ऑफ सिल्वर प्लस 2 सिल्वर माइनस ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ 2 कॉपर। इसकी वैल्यू है 0.80 माइनस इसकी वैल्यू है 0.34। ये कितना आ जाएगा 0.46 वोल्ट। अब आ गया आपके पास ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/n लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द स्पीशीज विच इज इन द सॉलिड स्टेट इज टेकन टू बी एज अ यूनिटी। उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, सिर्फ आयंस को पुट करना। तो प्रोडक्ट में कौन से आयन है, कॉपर 2+ है। रिएक्टेंट में कौन से आयन है, सिल्वर प्लस। जो भी आयन है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी रेस टू पावर बन जाएगा। तो इसका रेस टू पावर प्लस 2 हो गया। अब ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी हो गई, 0.46 हो गई माइनस 0.0591/2 आ गया। लॉग ऑफ कॉपर 2+ की कितनी वैल्यू है, 0.01, जिसको 10^-2 लिख सकते हो। सिल्वर प्लस की कितनी वैल्यू है, 0.1, यानी कि 10^-1 का स्क्वायर। ये भी 10^-2। तो यहाँ तो खैर ये कैंसल आउट हो गया, लॉग ऑफ 1 0 होता है तो ये सारा खत्म ही हो गया। लॉग 1 आ गया ना, लॉग 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास सिर्फ इतना फैक्टर बचा 0.46। अदरवाइज जो भी कैलकुलेशन है किसी क्वेश्चन में यू पीपल हैव टू डू फॉर दैट। Is that clear, electrochemistry? Yes, sir. देखो बेटा जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछना है उनके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि मुझे आप लोगों को अनम्यूट पे रखना होगा। बट अगर आप ऐसे बीच में रहोगे अपने नॉइस क्रिएट करोगे तो फिर उन बच्चों को भी प्रॉब्लम है। चलो एक आधा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर देते हैं। इसको इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन है कर दूं इरेज़ बेटा, नहीं पूछना है तो। yes, चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको सॉल्व करना ठीक है। एंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ, क्योंकि ये सारा चैप्टर ना मैथमेटिकल है तो आपको भी साथ साथ करना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल in which following reaction will take place, data kuch aise de rakha hai, pehle reaction bhi de rakha hai, nickel solid 2 silver plus, yes anybody want to ask anything? If you are having any doubt, you can type in a chat box or you can ask. Nickel 2+
0.160 मोलर, ये बेटा इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, प्लस 2 सिल्वर इन द सॉलिड स्टेट, और इसमें ई नॉट ऑफ सेल भी दे रखा है 1.05 वोल्ट. ओके गो फॉर इट. कैसे सॉल्व करोगे इसका, क्या आंसर आएगा? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, चेक आउट फॉर दैट. दिस इज नॉट अ पोल क्वेश्चन, दिस इज सिंपली योर कैलकुलेशन. यस, क्या बनेगी बेटा नेक्स्ट इक्वेशन? नेक्स्ट 1.05 मैं आंसर बताना या फिर इक्वेशन? आंसर बताऊं? लेट मी चेक इट आउट, आप देख लेना मैच कर रहा है कि नहीं. ई नॉट ऑफ सेल -0.0591/n लॉग ऑफ, यहां से चेक करो पहले बेटा. प्रोडक्ट में है निकल 2+ आयन, तो ये आप आएगा न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में फिर से आएगा सिल्वर प्लस का स्क्वायर, और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू है 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, एंड रेस्ट लॉग ऑफ निकल 2+ की वैल्यू है 0.160 इसकी कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू है 0.002, और इसका हो जाएगा स्क्वायर 1.05 -0.0591/2 log of. इसको सॉल्व करके कितना आएगा बताओ? मैम log of 4 × 10⁴. 4 × 10⁴, करेक्ट. उसके बाद 1.05 -0.0591/2. अब log of 4 × 10⁴ को कैसे सॉल्व करोगे? log m प्लस log n लगाओगे? log of 4 प्लस log of 10⁴ ऐसे ही लगाया है? 1.05 -0.0591/2. आंसर 0.815 वोल्ट है. वैसे 0.91 आता है इसका आंसर. अभी देख लेते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना अगर इस हिसाब से आप लोगों ने कैलकुलेशन किया है. अब लॉग ऑफ 4 की डायरेक्ट किसी को वैल्यू पता है तो ओके, नहीं तो आप इसको 2 में ब्रेक करो. लॉग 2⁴ प्लस लॉग ऑफ 10⁴, इसमें फिर पावर वाला फॉर्मूला लगाओ. 1.05 -0.0591/2, ये बेटा log m raised to power n में n नीचे आ जाएगा, log 2 प्लस इसमें 4 नीचे आ जाएगा, log 10 तो 1 ही होता है, तो 1.05 -0.0591/2, तो दिस इज 4 प्लस 2 into log 2 क्या होता है 0.3010, तो 1.05 -0.591/2 ये हो जाएगा 4 + 0.2006.2. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समथिंग लाइक 4.6020.
1.05 minus 0.0591 by 2 into 4.60 6020. ठीक है, कुछ इस तरीके से. अब इसको सॉल्व आउट करके बता दो मुझे कितना आता है तुम लोग. कुछ इतना आ गया, ये ऐसे आ गया, ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 0.91 के करीब आता है. ऐसे ही किया था? यस मैम. गुड. ये गैशियस स्टेट वाला सिस्टम मैं ले रही हूँ, जिससे आपको पीएच का कन्वर्जन इसी इक्वेशन से हम यूज करेंगे. ये है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. मैम मेरा 0.81 आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन देखी आपकी. 0.81 आता है सभी का, 0.81 आ रहा है. इसको एक बार कैलकुलेट करो तो कैलकुलेटर पे. 0.91 ही आ रहा है बेटा, एक बार आप दोबारा से चेक कर लेना. ओके मैम. कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन. देखो ये नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन है, देखने में नहीं लगता है. 0.91 नहीं आ रहा. In contact with the solution whose pH is 10. अब इसको कैसे करेंगे? किस इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहा है वो? गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, है ना? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है SHE, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा सीख लो, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बेटा जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी होती है. मैं एक और क्वेश्चन रिपीट करता हूं, मैं प्रीवियस का. अच्छा, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज इक्वल टू 10. मैम पता चल गया को एक तरह वर्टिकल की एंड में बस. अच्छा, वो मल्टीप्लिकेशन में की होगी कुछ, है ना? मैम मल्टीप्लिकेशन में नहीं, माइनस में थी. बस क्या माइनस में हुई है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है बेटा, डन है. कर लूं ना अगली स्लाइड की? अभी दिखाना है पिछली? नो मैम, डन. अच्छा ठीक है. तो बेटा इसमें ना सॉल्यूशन डाल दिया हमने, और इसमें कुछ ऐसी ट्यूब लगी होती है. देखो यहाँ पे होती है प्लेटिनम की एक तरह से स्लिट. ये है प्लेटिनम स्लिट. यहां से रखा होता है इनलेट फॉर द हाइड्रोजन गैस. प्लेटिनम मेटल भी लिख देते हैं इसे. और ये है HCl का सॉल्यूशन, या इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्वस फॉर्म में. अब क्या होता है ना कि जो आपका हाइड्रोजन है ना, वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है. देखो जो तो आपकी हाइड्रोजन गैस अंदर गई है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है, ये वाली हाइड्रोजन बाहर से भेज रहे हो जो, तो वो तो एक्ट करेगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल. वो हाइड्रोजन चेंज हो जाएगी 2H+ में और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी. तो ये बेटा हुआ ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ठीक है, अब क्या हुआ रिडक्शन हाफ सेल में? ये सॉल्यूशन में क्या लिखा था हमने, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड? ये HCl का सॉल्यूशन है. अगर तो जो आपका HCl का एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन है ना, वो क्या जनरेट कर देगा? H+ और Cl नेगेटिव जनरेट कर देगा ना. तो जो आपके H+ आयन है, वो इस प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर से ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए हैं ना, ये यहाँ पे आ जाएंगे.
ये H प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके, ये H प्लस है एक्वस फॉर्म वाला, ये H प्लस है गैस वाला, ठीक है। अब ये तो एक्वस में आ गया ना, तो ये क्या करेंगे, दो लेके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको 1 2 के हिसाब से लिखूं, तो ये हाइड्रोजन गैस थी जिसके ऊपर स्टार मार्क कर देते हैं, तो ये स्टार मार्क हाइड्रोजन से बना है, और ये विदाउट स्टार मार्क है क्योंकि ये सॉल्यूशन से आया है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो टू इलेक्ट्रॉन तो कैंसल आउट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस ये हो गई आपकी। तो यानी कि बेसिकली कुछ रिएक्शन ऐसा हुआ कि जो 2H+ आयन थे हाइड्रोजन गैस के, ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2H+ एक्वस फॉर्म में। तो एक तरह से सॉल्यूशन से एक्वस फॉर्म में, सॉरी रोड से एक्वस फॉर्म में आ रहे हैं, और एक्वस फॉर्म से वापस ऊपर जाके हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये रिएक्शन हो रहा है इसमें, और इन दोनों की कंसंट्रेशन C1 C2 कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है। यार इसकी C1 कंसंट्रेशन है और इसकी C2 कंसंट्रेशन है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो दोनों की तरह एक्ट कर सकती है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया, और इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया, दैट इज एज्यूम टू बी द जीरो। और जितने भी तुम वैल्यूज लिखते हो ना, जैसे तुमने कॉपर की वैल्यू अभी लिखी थी 0.34, सिल्वर की लिखी थी, निकल की लिखी थी, वो सारी वैल्यूज हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के उसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट की गई है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया, ये एनसीईआरटी का भी पहला क्वेश्चन है उसका एक्सरसाइज का, कि जिंक की, या पता नहीं जिंक की पूछा हुआ है शायद, कि कैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले लो, और उसके बाद उस मेटल को उसके विद रिस्पेक्ट टू उसी साइड पे रख लो। मान लो आपने जिंक को उसके विद रिस्पेक्ट टू राइट साइड पे रख लिया, तो आपने जिंक को अगर उसके विद रिस्पेक्ट टू राइट साइड में रख लिया, तो आपका EMF नेगेटिव आएगा, मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसका मतलब है जिंक और हाइड्रोजन का जब कंपेरिजन किया जाए, तो जिंक एक्ट करेगा एनोड, और वो एक्ट करेगा आपका हाइड्रोजन कैथोड। हाइड्रोजन की वैल्यू तुम्हें पता है जीरो होती है, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू वहां से कैलकुलेट हो जाएगी, तो इससे आप जिंक का आंसर निकाल लोगे। मतलब जो ई नॉट ऑफ सेल आएगा वो जिंक का ही तो आएगा, दूसरी वैल्यू तो जीरो ही है। आपको मेरी बात समझ में आई, मैंने राइट लेफ्ट कैसे बोला? नहीं आई इसका मतलब है। अच्छा, ये पेज समझ में आ गया कि ये स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि ये दोनों तरीके से एक्ट कर रहा है, रिडक्शन भी हो रही है इसकी और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इतनी समझ में आ गई बात? यस जो मैंने आप बोला था ना, वो मैंने ये बोला था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ई नॉट ऑफ जिंक 2+2 जिंक हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है। हमने एक सेल बनाया, यहां पे किसको ले लिया, SHE को, और यहां पे किसको ले लिया, जिंक और जिंक सल्फेट को। इसको क्या बनाया हमने, एनोड। इसको क्या बनाया हमने, कैथोड। अरे समझ में आ रहा है भाई? यस तो अगर ये एनोड और कैथोड बनेगा, तो ई नॉट ऑफ सेल कितना आएगा, कैथोड माइनस एनोड, इतना ही आएगा। इसकी यस वैल्यू तो तुम्हें पता है जीरो है, तो जब तुम ऐसे लिखोगे ना, तो इसका आंसर आएगा -0.76। तो माइनस आ गया, तो रिएक्शन क्या हो गया, नॉट नोट फिजिबल फिजिबल, मतलब आपका सेल काम ही नहीं करेगा, आपने गलत रखा है। तो आप क्या करोगे, इस कॉम्बिनेशन को उल्टा नहीं करोगे, इधर क्या लगाओगे, अब एनोड पे, जिंक और यहां पे क्या लगाओगे, कैथोड पे, हाइड्रोजन मतलब SHE लगाओगे। फिर से आपने EMF कैलकुलेट किया, अब क्या लिखोगे तुम EMF का फॉर्मूला, ऐसा। अब ये आंसर आएगा +0.76, मतलब सेल काम करेगा। अब माइनस आंसर तो मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया है, वहां पे थोड़ा ना एक्चुअली में माइनस में लाइट जाएगी, वहां पे तो मतलब कुछ करंट फ्लो नहीं होगा बेसिकली, वो कहना चाह रहा है वो। तो ये वैल्यू जीरो है, माइनस ऑफ जिंक 2+2 जिंक हो गया, तो
ये आंसर कितना आ गया, प्लस 0.76 आ गया। अब माइनस इसके साथ था तो इसका मतलब है इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी माइनस 0.76। तो ये हमने किसके हेल्प से कैलकुलेट की, एसएचजी की हेल्प से, ये कह रहे थे। मैम एक प्रीवियस स्लाइड वाला क्लियर करना डाउट, जो प्रीवियस स्लाइड में आपने ऐसे बोला ये वाले, ये बताऊं दोबारा? यस मैम, जब हमने उल्टे लगाए ना तो बेसिकली तो हमें पता है कि जिंक मेटल और हाइड्रोजन को देखा जाए तो जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो ऐसा सेल काम नहीं करेगा, ऐसा सेल काम नहीं करेगा। थ्रेटिकली कहने पे इसका आंसर माइनस में आएगा, मतलब नॉट फिजिबल आएगा। नॉट फिजिबल का यही मतलब होता है ना कि आप इंटरचेंज करो, आपने कैथोड को एनोड की जगह रखा है और एनोड को कैथोड की जगह रखा है, तो हमने इंटरचेंज कर दिया उसको, ठीक है ना। यहाँ पे कैथोड जो था वो हाइड्रोजन कर दिया, इसको एनोड कर दिया जिंक को, फिर आपका सेल जो है वो पॉजिटिवली वर्क करेगा। ऐसा अगर सेल बनाया जिसमें पोजीशन अपने ऑपोजिट रखी तो उसकी आंसर ईएमएफ के प्लस नहीं आ सकती कभी। यस, तो इस तरह से हम ऐसे चीज से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम देख लें जरा हमारा क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन है, दूर चला गया, दोबारा लिख लेते हैं। पीएच दी हुई है 10 और उसका कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना था पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कैलकुलेट करना था। कईयों पे ना यहाँ पे हाफ ऑफ हाइड्रोजन लिखा होता है, वो इट्स ओके, क्योंकि एक है तो एक में ही कन्वर्ट होगा ना, तो वो हाफ लिख देते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा रिडक्शन फॉर्म लिखा करो हाफ सेल की, इसको बोलते हैं हाफ सेल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा तो दिया ही नहीं हुआ हाइड्रोजन के साथ। तो कंसिडर द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल, H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड ही हुआ तो हाफ ऑफ हाइड्रोजन बन गया, इसकी स्टेट गैशियस है, इसकी स्टेट एक्वस। अब एक हाफ सेल के लिए लगाओ इक्वेशन, हाफ सेल के लिए इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा। अब ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, E नॉट कैलकुलेट कर, E नॉट तो नहीं होगा, E होगा, E कैलकुलेट कर रहे हो H प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन के लिए, इसके बराबर आ जाएगा E नॉट ऑफ एच प्लस टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो गैस के लिए तो प्रेशर लेंगे ना, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 1/2, और कंसंट्रेशन के लिए क्या लेंगे, कंसंट्रेशन के लिए लेंगे हाइड्रोजन एक्वस। अब जब स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 bar, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 विच इज 1। इसकी वैल्यू 0 है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 0.0591/1 log ऑफ 1/। अब एच प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास है नहीं, तो एच प्लस की कंसंट्रेशन के लिए क्या करोगे देख लेते हैं, अगली स्लाइड करें। पीएच की वैल्यू दे रखी है 10, तो H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ से कैलकुलेट करो, 10^-, ऑफ पी एच होती है ना, सिखाया था एसिड बेस में, तो 10^-10 हो गई इसकी वैल्यू। तो E ऑफ H प्लस टू हाफ ऑफ एच टू कितना आ जाएगा, अच्छा ये तो जीरो रख दिया हमने, रख दिया था लास्ट स्लाइड में जीरो, yes, yes. ठीक है, 0.0591/1 log ऑफ 1/10^-10। तो पहले तो इसको ऊपर लेके जाओ, 0.0591/1 log ऑफ, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद log ऑफ 10^10 में पावर को फ्रंट में लेके आओ, 10 log 10 log 10 1, इसको भी ढंग से लिख देते हैं, रुको, ठीक है, तो ये कितना बचा, 0.0591/10 कितना आ गया भाई,
देखो ये आ गया आपका ई वैल्यू। तो ऐसे आप पीएच की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ई भी जा सकते हो पीएच की कैलकुलेशन से, ठीक है। यस मैम। एक क्वेश्चन इसमें जी का भी ले लेते हैं क्योंकि नास्ट इक्वेशन को तो आपने जी से ही बनाया। तो ये क्लियर है कि कैसे पीएच का यूज करते हैं? पीएच पता हो तो एच प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। यस मैम। चलो अभी एक क्वेश्चन लेके बताओ। चलो ट्राई फॉर दिस वेरी इजी क्वेश्चन। Yes, what is the formula for the calculation of delta G? Minus NS E naught. Yes. यहाँ पे तो E naught भी calculate नहीं करना है, वो भी दिया हुआ था। Delta G naught is equal to minus NF E naught of cell. ठीक है बेटा। तो अब delta G naught is equal to minus NF E naught of cell में से सिर्फ एक calculation करनी है, वो है electrons की। इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज हो रहे हैं? Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, बट इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 इंटू 1 हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस 1 से 0, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और बेसिकली तो यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे दोनों में, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई थी 96500, ई नॉट ऑफ सेल क्वेश्चन में दे रखा था 0.236, बाकी तो कैलकुलेशन बेटा आपका मल्टीप्लाई है, वो कुछ माइनस ऑफ 40.55 आता है, एंड दैट इज इन अ किलो जूल पर मोल। आप इसको जूल में भी आंसर दे सकते हैं जैसी ऑप्शन दी हो, ठीक है। अब इसमें एक मैं आपको एप्लीकेशन भी बता देती हूँ कि इसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना आता है। इज इट क्लियर आपको दिस वन बेटा? इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे यस और नो? एम माइनस 4.5548 आ रहा है जूल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो अब ना ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ही कराऊंगी आज इसकी।
एप्लीकेशन ऑफ नॉन्स इक्वेशन. देखो हमने ये इक्वेशन लिखी थी अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में नॉन्स इक्वेशन को डिराइव करते हुए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ क्यू सी, याद है? ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द नॉन्स इक्वेशन वी हैव रिटन वन रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा जी एंड द क्यू सी. अब जब रिएक्शन में आ जाता है इक्लिब्रियम, एट इक्लिब्रियम, तो थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि इक्लिब्रियम में सिर्फ एक कोई एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी जीरो होती है फॉर द श्योर, और वो है डेल्टा जी. डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्लिब्रियम. और दूसरा इक्लिब्रियम में क्या चेंज आएगा कि जो आपका क्यू सी है वो क्या बन जाएगा, के सी बन जाएगा. रिएक्शन कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वो बन जाएगा आपका इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट. ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेट करो, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रख दो, डेल्टा जी नोट को बेटा ऐसे ही चलाओ, प्लस आर टी लॉग ऑफ के सी, इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस ऑफ डेल्टा जी आर टी लॉग ऑफ के सी. इसमें एल एन को सेट करो, 2.303 से मल्टीप्लाई करो, तो 2.303 आर टी एल ओ जी टू द बेस 10 वाला लॉग के सी. तो डेल्टा जी नॉट का माइनस भी इधर एडजस्ट करो, तो -2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के सी. तो ये एक रिलेशनशिप है इस चैप्टर में जो डेल्टा जी की कैलकुलेशन के साथ क्लब होके क्वेश्चन आता है. डेल्टा जी की जो कैलकुलेशन है उसमें से आपको के सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. ठीक है, एक बार ये रिलेशनशिप ध्यान से देखिए. क्लियर है? Yes. इसमें भी एलैबोरेट कर देती हूँ मैं इसको, रुको. अब जैसे डेल्टा जी नॉट की तुमने वैल्यू निकाली माइनस ऑफ 2.303 आर टी एल ओ जी के सी, तो इसमें माइनस को पहले इधर सेट करो, माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी. तो यहाँ पे आके ना तुम स्टक कर जाते हो कि मैम एंटी लॉग करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, देखेंगे. देखो कई बार क्या होता है ना, मान लो ये सारी कैलकुलेशन है जो वो आंसर देती है एक्स माइनस ऑफ डेल्ट, ये आंसर ऑलरेडी माइनस है. अगर जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ये देखो ये माइनस में आंसर आया था ना, यही आंसर मैं ले देती हूँ -45.55. ठीक है, मान लो ये कुछ आंसर आ गया तुम्हारा ऐसे -45.55 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, 10^3 जूल, इतना आ गया. ठीक है, लॉग ऑफ के सी. ठीक है, और ये माइनस में आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया. तो आप क्या करोगे ना, कोई भी जो आंसर आया है लेट इट से ऐसा ही ले लेते हैं इसको. तो जो आपने केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना उसमें एंटी लॉग देखना ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस ऐसे सेट होती हैं कि केसी की वैल्यू आ जाएगी 10^ जो पॉइंट के पहले वाला फैक्टर होता है ना वो 45, दैट्स इट. इस तरह से वो डाटा एडजस्ट करता है. जैसे 10 पॉइंट कुछ आंसर आया तो 10^10 आ जाएगा वहां पे. जैसे इसी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना था केसी, इसमें तो उसने एंटी लॉग लेके सॉल्व किया हुआ है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको वही वाला डाटा सेट कर देना होता है. जैसे कि जहां 2 पॉइंट समथिंग आया, 3 पॉइंट समथिंग आया, तो अगर मतलब आपको ये ऑप्शन पेपर में चेक करना है कि सारे आंसर अगर 10 की पावर में दिए हुए हैं तब आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर नहीं 10 की पावर में दिए हुए फिर आपको एंटी लॉग का वैल्यू वो देगा कि ये होगा. ठीक है, तो एक तो इस तरह का इसमें से क्वेश्चन आता है. एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसमें नॉन्स इक्वेशन का यूज ही नहीं हुआ है, बस सिर्फ एक मोल कंसेप्ट का यूज हुआ. एक ये भी आप फटाफट से देख लो, फिर उसके बाद पोल के क्वेश्चन लेके आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं. Cr2O7 2- + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन है जो कन्वर्ट हो गया 2Cr3+ में और 7 वाटर में. सबको पता है डाइक्रोमेट की एसिडिक कंडीशंस में इक्वेशन मैंने लिखी है. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट. 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट को रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? डाइक्रोमेट को अगर रिड्यूस करना है
तो आपको कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा इलेक्ट्रिसिटी बहुत छोटे से कंसेप्ट का यूज हुआ है, वो है फेराडे कांस्टेंट की डेफिनेशन। फेराडे कांस्टेंट है 96500 कूलम पर मोल, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिपोजिट करने के लिए 96500 इलेक्ट्रिसिटी लगती है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिपोजिट करने के लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज देखो, यहाँ पे कितना था +6 चार्ज आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है +3 चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स का। पर इक्वेशन में यहाँ पे कितना दिया हुआ, Cr2 दिया हुआ रिएक्टेंट साइड, तो जब रिएक्टेंट साइड 2 दिया हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। ठीक है, ये 6 कैसे लिया मैंने आपको पता लगा ना, बैलेंसिंग में भी आपको ये सिखाया था कि रिएक्टेंट वाली साइड पे अगर डबल हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1F है, तो यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना। 1 मोल ऑफ Cr2O7 नेगेटिव रिक्वायर 6F, और 6F की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 96500 कूलम, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 57900 कूलम लगेगी। तो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो वैसे भी इस इक्वेशन से भी क्लियर था कि 6 ही लिखे हुए हैं, तो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को आप फेराडे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। दिस इज सिंपली द कॉन्सेप्ट, क्लियर है? यस मैम, यस। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। जैसे पहला क्वेश्चन है, yes, try for it.
बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया आपको, आज सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक करवाए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका अच्छा हो जाए फिर नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे थोड़े से जिसमें कैलकुलेशन और हो। यस डन, क्लास में से सिर्फ 6 स्टूडेंट ने आंसर दिया, बाकियों को क्या हो गया भाई, देख रहे हो क्वेश्चन अपने आप बोलेगा। एम्बस होने वाले सॉल्व थोड़ी देर। ठीक है, जो कर रहे हैं तो वेल डन, नहीं कर रहे हैं उनको बोला है, जो कर रहे हैं इट्स ओके करो। हाँ जी, एनीबडी लेफ्ट और एवरीबडी हैज डन, पर ओके। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन आया? कौन सा बेटा? 2.68 2.68 करेक्ट है, और सभी बच्चों ने यही आंसर लगाया। अब खुद से लगाया या नहीं वो नहीं पता, एक्यूरेट कोई बात नहीं नहीं, है इट्स इतना। ओके। अगर मतलब बाकियों के कंपैरिजन में अगर आपको ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, यहाँ तक भी आप पहुंच गए हो तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इतने आपको क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन नहीं आते हैं पेपर में कि वो ऐसा करवाएगा 0.68 है, 0.69 है, ऐसा कुछ है, इतना नहीं आएगा। 2 पॉइंट या में सब आ रहे हैं तो इसका मतलब है रिलेटेड ऑप्शन दे दिए उसने। चलो एक जल्दी से करना, इसको टाइम मत लगाना। लैम्डा एम नॉट ना वाटर का कैलकुलेट करना है, कैसे जाएगा? पहली ऑप्शन है ये, सोच समझ के आंसर देना है, कॉलरज लॉ से क्वेश्चन है।
चलो बताओ जल्दी से। यस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकियों से तो दो से बनी नहीं, इससे इससे बन रहा है, बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। ए इज करेक्ट। ओके देन दिस इज